हम सभी पिछले चैप्टर में कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग स्टेज और कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर किसी एक डिवाइस का नाम नहीं है कंप्यूटर कई सारे डिवाइस से मिलकर के बना होता है इस कारण से हम इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट यानि कि कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं और उन डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए जिस कमांड या इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं हम सभी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के डिवाइसेस को कंप्यूटर के वर्किंग स्टेज के बेसिस पे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा जाता है इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर के तीन पार्ट होते हैं इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के इन्हीं हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जिस डिवाइस की मदद से हम लोग कंप्यूटर में डेटा को फीड कराते हैं जैसे कि कीबोर्ड माउस स्कैनर प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही होता है जिसे हम लोग सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के सभी तरह के प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर होता है और लास्ट में है आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस जिस डिवाइस की मदद से हम लोग रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन को देखते हैं यूज करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं जैसे कि मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर एक बार फिर से प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं सीपीयू के कैबिनेट के अंदर भी कई छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो सभी आपस में मिलकर के प्रोसेसिंग का काम करते हैं उन डिवाइसेज के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले एस एम पी एस स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम पी एस को हम लोग सी पी यू का पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं सीपीयू के अंदर जितने भी डिवाइसेज हैं उन सभी डिवाइसेस को अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होती है एस एम पी एस मेन बोर्ड या यूपीएस से इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है और उसे सीपीयू के अलग अलग डिवाइसेज के पास उनके रिक्वायर्ड वोल्टेज के अनुसार उन्हें वोल्टेज पहुंचाता है अब आगे देखते हैं मदरबोर्ड जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उन सभी इक्विपमेंट में एटलीस्ट एक सर्किट बोर्ड होता है जो उस डिवाइस के बाकी कंपोनेंट को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है सीपी के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को हम लोग मदर बोर्ड कहते हैं मदर बोर्ड पर कई सारे सॉकेट्स और स्लॉट्स रहते हैं जहां पर हम अलग अलग डिवाइसेस को अटैच करते हैं हम सभी ये पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी डिवाइसेस सी से कनेक्ट होते हैं एक्चुअली वे सभी डिवाइसेज सी के अंदर मदर से अटैच होते हैं इन डिवाइसेज के अलावा सीपी के अंदर के डिवाइसेज और कार्ड्स को भी अटैच करने के लिए मदर पर कई स्लॉट्स बने होते हैं जहाँ पर हम उन डिवाइसेस और कार्ड्स को अटैच करते हैं जैसे कि प्रोसेसर हार्ड डिस्क रैम नेक्स्ट है प्रोसेसर यह सीपीयू का सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है प्रोसेसर ही सारे कैलकुलेशन और कंपैरिजन को करता है प्रोसेसर को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसका स्पीड मेगा हर्ज और गीगा हर्ज में मापा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर का पहला प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में डेवलप किया गया था जिसका नाम इंटेल 4004 था अगला डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस इन डिवाइसेस की मदद से हम लोग कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन फाइल कंप्यूटर के किए गए कामों को परमानेंटली स्टोर करते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क सी डी डे पेन ड्राइव हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर अटैच किया जाता है अगला डिवाइस है मेमोरी डिवाइस मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस दोनों अलग अलग प्रकार के डिवाइसेज हैं जब हम लोग कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उस समय जो मेमोरी की जरूरत होती है वो मेमोरी हमें मेमोरी डिवाइस प्रोवाइड कराता है और उन एप्लीकेशन में किए गए कामों को जब हम लोग सेव करते हैं तब वहाँ पर स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है मेमोरी डिवाइस दो है रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड वनली मेमोरी जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय कंप्यूटर जिस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है वो सारे इंस्ट्रक्शंस रोम में रहते हैं रोम के डेटा को रोम के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिर्फ यूज करता है हम रोम के डेटा या इंस्ट्रक्शंस को डिलीट या चेंज नहीं कर सकते हैं रोम मदर बोर्ड पहले से ही अटैच होता है जबकि रैम को मदर पर रैम के स्लॉट में अटैच करते हैं जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है उसके बाद जब हम लोग कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो मेमोरी उस समय चाहिए होती है वो मेमोरी रैम प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर के एप्लीकेशन के डेटा को टम्प्रोरी स्टोर करने के लिए भी रैम का यूज़ होता है जब तक किसी डेटा या इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर नहीं कर लेते हैं तब तक वो रैम में स्टोर रहता है और जब हम लोग उसे सेव कर देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में चला जाता है रैम में डेटा टेम्प्रोरी स्टोर ही रहता है कंप्यूटर ऑफ होने के बाद रैम का डेटा डिलीट हो जाता है इस कारण से हम इसे भोला टाइल मेमोरी भी कहते हैं तो अभी हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में पढ़े अगले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद